और हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ बीजेपी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पार्टी ने चैंपियन को भाजपा से निलंबित कर दिया है। अभी तक चैंपियन सिर्फ 3 महीने के लिए निलंबित किए गए थे, लेकिन अब उन्हें हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल प्रणव चैंपियन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो 3 पिस्टल और 1 राइफल के साथ डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रणव चैंपियन को निलंबित किया गया। प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये रवैया पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा ने किया अस्थाई निलंबित इन्हें। चैंपियन पर गाज गिरी। अभी तक 3 महीने के लिए निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब भाजपा ने अस्थाई निलंबित कर दिया है। विधायक हैं ये, और ये विधायक एक कुंबे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस अंदाज में। तो बकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया जिसमें यह बताया गया इन्हें अस्थाई तौर पे निलंबित किया जा रहा है इनके इस रवैये को देखते हुए। हालांकि सफाई ने चैंपियन ने यह कहा है कि यह वीडियो 3 साल पुराना है, लेकिन इसे अब अपलोड किया जा रहा है, इनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की वीडियो इनके वायरल हो चुके हैं। अपने बड़बोलेपन और अपने इस अंदाज की वजह से चर्चा का विषय रहे हैं, खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन पहले हिदायत देकर के, नोटिस देकर के कई बार इन्हें छोड़ा गया, और एक बार 3 महीने के लिए इन्हें निलंबित भी किया गया, लेकिन शायद उसका असर इन पे कुछ होता दिख नहीं रहा। आर्म्स एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, पार्टी चल रही है। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ, रुक कर लेते हैं उनका। विनोद, इस घटना से, इस खबर से संबंधित क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या और पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पे सामने आए हैं, और प्रणव की तरफ से, चैंपियन की तरफ से क्या कोई सफाई पेश की गई अब? देखिए प्रिया, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि जब खानपुर से विधायक प्रणव सिंह चैंपियन विवादों में रहे हों। इससे पहले भी लगभग आधा दर्जन ऐसे विवाद हैं उत्तराखंड के। सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की, उन्होंने अलग अलग दल बदलकर सरकार को इस तरीके से किरकिरी कराई है। वो इतने इशू रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में, और यही वजह है कि जिस तरह से अभी फिलहाल जो इससे पहले का जो विवाद था, दोनों विधायक आपस में लड़ रहे थे, वो विवाद के मामले में ये 3 महीने से सस्पेंड की कार्रवाई इन पर हुई थी, तो उसको देखते हुए इन पर कोई असर नहीं देखा गया। और यही वजह है कि आज लगभग 2 दिन से एक वायरल जो वीडियो है जिसमें वो 3 रिवॉल्वर और 1 बड़े हथियार के साथ में वो झूमते नज़र आ रहे हैं, डिस्को करते नज़र आ रहे हैं, और जिसको लेकर आज आलाकमान, जो केंद्रीय आलाकमान है, उनका कल से ही मंथन जारी था, और जो शीर्ष नेता थे उनके माध्यम से इस पर कार्रवाई करने के निर्देश जो भाजपा प्रदेश कांग्रेस भाजपा के जो यहाँ के शीर्ष नेता हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है, और उनको आज पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है पार्टी से। और यही वजह ये बड़ी कार्रवाई प्रणव सिंह चैंपियन पे है, और यही वजह कि आज जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर गरमाया हुआ है, उत्तराखंड की राजनीति में ये मुद्दा बेतोड़ जोर से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे हैं वो, उन पर विपक्ष भी हमला बोल रहा है। और यही वजह है कि जो अभी फिलहाल प्रणव चैंपियन का निष्कासन हुआ है पार्टी से, उसको बेदखल किया गया है, तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि ये उनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक होगा उत्तराखंड की राजनीति में, और उनकी जो उनकी राजनीति है उनके लिए भी आज ब्रेक लग गया है। लेकिन लिहाजा इसके ये ज़रूर है कि प्रणव चैंपियन पर इसका भी कोई असर नहीं देखा जा रहा। जब हमने उनसे कल बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये वीडियो 3 साल पहले का बताया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल पुलिस के माध्यम से भी इन वीडियो और जो किन किन के हथियार है उनकी भी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3 साल का वीडियो है, क्योंकि उसमें, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि विधायक जो प्रणव सिंह चैंपियन है वो एक जगह पर खड़े हैं और उनके पैर में चोट लगी, और मौजूदा हालात भी वही है, घर पे वो बेड रेस्ट पर है, उनके पैर में चोट लगी है। तो इससे साफ थोड़े से संकेत ये ज़रूर मिलते हैं कि ये वीडियो इतने साल पुराना नहीं है, लेकिन लिहाजा प्रणव सिंह चैंपियन इससे नकार रहे हैं। लेकिन जब विवादों से आपका नाता होता है और आपकी छवि अगर इस तरीके से कुछ बन जाती है, आप विधायक हैं, बार बार सुर्खियों में आते हैं, ट्रोल हो जाते हैं आप, तो सवाल तो लाजमी है।
प्रिया, ये महत्वपूर्ण सवाल है और यही सवाल हमने उनसे पूछा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम राजशाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हथियारों से खेलना हमारा शौक है और ये शौक एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से कितना कारगर साबित होता है ये तो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से वो राजा परिवार के खानदान से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने सिर्फ इसी बात को बताया है कि हम हथियारों का शौक रखते हैं और हथियार राजशाही परिवार में एक आम बात होती है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनकी पत्नी है धर्मपत्नी, उनसे भी हमने बात करना चाहिए, उन्होंने भी प्रणव चैंपियन का साथ देते हुए यही कहा कि राज परिवार में हथियारों के साथ में खेलना, हथियारों के साथ रहना और उनसे फायर करना ये नॉर्मल आम बात होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती है और ऐसी जो हरकत है, करतूत है, उसको शोभा नहीं देती है। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये प्रणव सिंह चैंपियन जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर ये आम बात होती है, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन बार बार इस तरीके की तस्वीर अगर आएंगी सोशल मीडिया पे वो भी वायरल हो जाती हैं और आपका बड़बोलापन भी सामने आता है तो छवि आपकी यही बन जाती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रणव चैंपियन ने किस तरह हथियारों की नुमाइश कर अपना वीडियो बनवाया था और जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है तो चैंपियन ने इसी वीडियो पर पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है जिसकी सफाई भी इन्होंने पेश की है। देखिए हाथ में हथियार लेकर डांस, कभी मुंह में जाम के साथ हथियारों का प्रदर्शन, इन्हें तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन इस वीडियो के बाद एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार तो विवादों के चैंपियन कुंवर प्रणव ने तमाम हदें पार कर दी हैं। कुंवर साहब को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए उन्हें इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। देखिए कोई प्रणव किस तरह से हाथों में हथियार लेकर डांस कर रहे हैं। कोई प्रणव के हाथ में एक नहीं बल्कि चार चार हथियार हैं। उन्होंने एक हाथ में बंदूक उठा रखी है तो वहीं दूसरे हाथ में तीन पिस्टल हैं। अब इस तस्वीर में देखिए कोई प्रणव ने एक पिस्टल को अपने मुंह के अंदर दबा लिया है। इसके बाद वो दो पिस्टल को हाथ में लेकर डांस कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं। एक जनप्रतिनिधि से तो शायद ही कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है। मगर ये कुंवर प्रणव सिंह है जिन्हें विवादों का चैंपियन कहा जाता है। इस वीडियो में कुंवर प्रणव के साथ कुछ और लोग भी डांस करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कुंवर प्रणव सिंह के समर्थक हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुंवर प्रणव हथियार हाथ में लेकर हवा में लहराते हुए डांस करते हैं, तो कभी हाथ में जाम लेकर झूमने लगते हैं। विवादों की इस चैंपियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे विधायक से भला जनता क्या उम्मीद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो कुंवर प्रणव सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। राजनीति में कदम रखने से पहले ही चैंपियन के नाम विवाद जुड़ने शुरू हो गए थे। अब तक ऐसे कितने ही मौके आए जब चैंपियन का नाम विवादों से जुड़ा है,
ये भी आपको बताते हैं। लंढौरा रियासत के वंशज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज भी खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कुंवर साहब को इतना घमंड किस बात पर है? उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि वो एक जन प्रतिनिधि है? कुंवर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो हरकतें करते हैं उससे ना सिर्फ आपकी छवि खराब होती है, साथ ही आपकी पार्टी का भी नाम बदनाम होता है? कुंवर प्रणव राजनीति में कदम रखने से पहले ही अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। रंगीन मिजाज विधायक प्रणव चैंपियन अपनी हरकतों से पार्टी के लिए अक्सर मुसीबतें खड़ी करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चैंपियन एक टीवी पत्रकार को धमकाते हुए दिखाई दिए। कुंवर प्रणव सिंह की रंगीन मिजाजी के और भी किस्से हैं। हथियार हाथ में लेकर डांस करना तो जैसे उनका पुराना शौक है। कुंवर प्रणव सिंह खुद को धरती पुत्र भी कहते हैं। धरती पुत्रों में आपका मोड़े के पहाड़ियों को नहीं मिलना, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, धरती पुत्र का हनन हुआ है। चैंपियन साहब का रुतबा ऐसा है कि वो किसी बात से हिचक नहीं करते। रंगीन मिजाज चैंपियन स्टेज पर भी ठुमके लगाने से कतराते नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बंदूक हाथ में लिया और पिस्तौल मुंह में दबाकर नाचने वाले बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सफाई भी अब सामने आई है। कुंवर प्रणव सिंह का कहना है कि यह वीडियो काफी पुराना है और इसमें एडिटिंग की गई है। अनलोडेड हथियार है, लाइसेंसी हथियार है, किसी को हमने डराया नहीं, कोई फायर नहीं की, कोई अनैतिक कार्य किया हो तो बता दीजिए, किस सेक्शन में मुकदमा करेंगे आप? वीडियो वायरल होने के बाद मचे बवाल पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सफाई आई है। अनलोडेड हथियार है, लाइसेंसी हथियार है, किसी को हमने डराया नहीं, कोई फायर नहीं की, कोई अनैतिक कार्य किया हो तो बता दीजिए, किस सेक्शन में मुकदमा करेंगे आप? वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हाथों में हथियार लेकर किस तरह से लहरा रहे हैं। मगर कुंवर साहब को लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। चार आप वेपन ले रहे हैं, वो चारों आप ही के नाम? तीन मेरे हैं, चौथा वो घरवाले जो थे शायद क्यों आया होगा, उसने हाथ में पकड़ा दिया था। तीन वेपन मेरे हैं, दो रिवॉल्वर्स, एक राइफल। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का दावा है कि ये वीडियो कई साल पुराना है। साथ ही चैंपियन साहब का ये भी कहना है कि वीडियो में एडिटिंग की गई है। ओल्ड वीडियो पुराना वीडियो है और फंक्शन खत्म हो जाने के बाद का पर्सनल जो कुछ लोग वहाँ के परिवार वाले हैं उनके साथ का वो शूट है। शूट ही कहेंगे, जब किसी ने वीडियो ले लिया हमें पता भी नहीं है वो हो गया है। और उस समय कुछ एडिटिंग उसमें की गई है, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है अपने राज्य के लिए, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ, ये वास्तव में हमें फंसाने के लिए चाल चली गई है। वीडियो वायरल होने और मचे बवाल के बाद कुंवर साहब इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, मगर उन्हें तमंचे पर डिस्को कर जरा भी अफसोस नहीं है। विवादों के चैंपियन को नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिससे पार्टी की छवि शर्मसार हुई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।